स्वाद के शौकीनों को जेडीज किचन का प्यार भरा नमस्कार। मेरे वीडियो देखने के लिए और मेरी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज हम बनाएंगे गुजराती लोकप्रिय डिश जिसका नाम है दाल ढोकड़ी, अंगूरी दाल ढोकड़ी। थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ, दिखने में खूबसूरत, बनाने में आसान और स्वाद में लाजवाब। इस डिश को अगर इटालियन लोग बनाते तो उसका नाम होता चिकपीस पास्ता विथ लेंटिल सूप। सबसे पहले आधा कप बेसन, पाव कप आटा, एक टीस्पून चिली फ्लेक्स, हरा धनिया, एक टेबलस्पून तेल, एक टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून हींग और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह से मिला ले और पानी से एक नरम आटा गोंद ले। ये डो हमारा रेडी है, उसे तेल लगाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब उसे पतला पतला बेल लेंगे और उसे छोटे छोटे स्क्वायर शेप में काटेंगे इस तरह से, और उनको शेप देने के लिए किसी भी स्टील का या प्लास्टिक का रोड या पाइप ले ले। इस तरह से पाइप के ऊपर कवर करके हल्का सा दबा कर निकाल ले। देखिए, आसान भी है और कुछ अलग, कुछ नया और दिखने में सुंदर। दोस्तों, अगर इसका आटा बचे तो आप उसके थेपले बना सकते हैं। देखिए, हमारा ब्यूटीफुल गोल्डन पास्ता रेडी है। एक पैन में 2 टीस्पून तेल डालकर पानी को गर्म करने को रखा है। पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम उसमें पास्ता या ढोकली डाल देंगे और करीब 7 मिनट तक पकाएंगे। अब यह तैयार है, उसे उतार के छान लेंगे। पानी अलग, पास्ता अलग और साइड में रख देंगे। अब दाल बनाने के लिए एक पैन में 2 टीस्पून तेल को गर्म करेंगे। उसमें 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और करी पत्ता डालकर मिक्स कर लेंगे। और ये 4 लाल मिर्च को कैसे भूल सकते हैं, उसे भी डाल देंगे। ये तूर दाल को प्रेशर कुक करके ब्लेंडर में स्मूथ पेस्ट बना लिया है, उसे भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये कलर, ये खुशबू, लाजवाब। ये 1 कप पानी डाल दिया और 1 दूसरा कप पानी और डाल दिया। ये स्वीट कॉर्न है जिसे थोड़ा सा क्रश कर लिया है। दाल ढोकली में टेक्सचर के लिए आप चाहे तो पीनट्स भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ढककर 5 मिनट पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है हेल्दी लिक्विड गोल्ड। कितना खूबसूरत, स्वादिष्ट और टेम्प्टिंग। ये 3 कॉर्न स्लाइस है जो पहले से बॉईल करके रखी थी, उसे भी डाल दिया है। आई जस्ट लव टू कुक। थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक कम था, डाल दिया। अब लेमन जूस, आधा लेमन जूस डाल दिया। अभी खट्टा डाला है तो मीठा भी डालना पड़ेगा। 1 टेबलस्पून गुड़ यानी जेगरी भी डाल दी, कुछ खट्टा कुछ मीठा। अब आखिर में रेड चिली फ्लेक्स का तड़का। तेल गरम किया, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ये खुशबू पूरे किचन में फैल गई। कलर देखिए दोस्तों,
बेहतरीन, लाजवाब। अब आखिर में ढोकड़ी या पास्ता डालकर मिक्स कर लेंगे। अब प्लेटिंग से पहले टेस्टिंग। गुड़ की मिठास है, लेमन और अंगूर की खटास है, थोड़ा सा तीखा और स्वीट कॉर्न के ये पीसेस। मैं क्या कहूँ, डिलीशियस, टेस्टी, हेल्दी, चटपटा, बेहतरीन स्वाद वाली गुजराती डिश आपके लिए। आप चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं या फिर चावल के साथ। एक डिश में चावल के साथ दाल ढोकली परोसिए, ऊपर से ये स्वीट कॉर्न की स्लाइस, हरा धनिया और ये सूखी लाल मिर्च, कोकोनट, हरा धनिया, अनार के दाने, रेड चिली फ्लेक्स और करी पत्ते से गार्निश करें और गर्मा गर्म परोसें। बहुत ही आसान और लाजवाब डिश। दिल से, लगन से, प्यार से और समर्पण से बनाए और अपने प्यारे परिवार के साथ उसका आनंद उठाए। ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। और एक जरूरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।